अस्सलाम वालेकुम, की हाले? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ओए ओए ओए, चेक कर रहे हो अपना जो उठना बैठना ही शेरां चे। परायो व्लॉग शूट करके तो कहता है इसको पैक करो। बहुत मजे दिए ना, खत्म कर दी ना मेरे में। क्या खाया? सारी की सारी वैसी पड़ी है, ये देख ड्रामेबाजी। यार ये मैंने सबके लिए करवाया था, तुम लोग मैं अकेला के। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी जैसा देश वैसा भेस, ठीक है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा आपके भाई का आज डे वन है। कल मैं लैंड हुआ था फुकेट थाईलैंड में, तो आज हमारा डे वन है, निकलने लगे थे। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, नींदे शींदे पूरी कर ली है। चेक कर रहे हो, लग रहा है आपका भैया नहीं पूरा थाईलैंड वाला। हालांकि मेरा काम कोई भी नहीं है थाईलैंड से रिलेटेड, लेकिन स्टिल आपका वैसा लगना जरूरी है। लेकिन हाँ, मैंने एक काम ऐसा सोचा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं देखा, और मैं वो साथ रख के लेके आया था। कल या परसों वाले व्लॉग में इंशाल्लाह उसको भी प्रोसीड करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। यार माशाल्लाह, चेक करो किस कदर खूबसूरत और किस कदर सुकून है यहाँ पर। आगे मैं गया तुम्हें नाश्ता करने, इतों के लोगों को तो कपड़े ही नहीं है, नंगे ही फिरते। मैंने तौबा ना उज़ुबिल्ला, खाना खान नंगे, नहाण गए नंगे, बाइक चला रहे नंगे। मैं क्या की तुहाडा कौमी निशान हो, नंगे तो नहीं तुसीं सारे। अच्छा खैर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम लोग एक अहद के तहत चल रहे हैं। 11 मार्च से पहले पहले अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं, एक ख्वाहिश है हमारी। 11 मार्च से पहले क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि 11 मार्च को हमारे चैनल को बने हुए पूरा एक साल हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि जी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अभी तक अनसब्सक्राइब हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। जुल्कर नैन और कंवल भी हमारे साथ हैं, आपको पता है मैं उन्हीं के पास आया हूं, उन्हीं से मिलने आया हूं। उन्होंने ही मुझे बुलाया है, बहुत इंसिस्ट करके मेरी बहन कंवल ने बुलाया, क्योंकि हमारे 2-3 प्लान पहले भी बने थे जो कि पूरे नहीं हो सके, मैं उनके साथ नहीं जा सका। तो कंवल शदीद नाराज थी, इस बार मैंने कहा यार नाराज नहीं करना, चाहे मैं 3-4 दिन के लिए जाऊं लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। जाके सब मिलते हैं, देखते हैं सब रेडी है या नहीं और कहां जाना है। लेकिन उससे पहले 2 जरूरी काम है। चेक कर रहे हो अपने भाई की स्पीड, चेक कर रहे हो, रुकता ही नहीं है यार, माशाल्लाह बोल दिया करो। 2 जरूरी काम ये है कि एक कॉल करनी है अम्मा को, दूसरी कॉल करनी है आपकी भाभी को, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वीडियो कॉल किया करेंगे। मैंने उस टाइम दोबारा टाल मटोल कर दी थी मजाक में, लेकिन मैं उसे करूंगा ताकि वो कंफर्टेबल रहे। ये है जी आपके भाई का रूम। अरे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? तूने ऐसे कहा, तूने कहा था मैं 2 मिनट बाद आऊंगा, साथ क्या कर, चल दोबारा से। क्या हुआ? तू दोबारा से आ क्यों? मुझे क्या कि यार मैं 2 मिनट बाद आता हूं। 2 मिनट कैमरा लेकर ड्रामे बाद हमारे कमरे में क्या कर रहा, चल अपने कमरे में। अच्छा भाई, चल चल। अस्सलाम वालेकुम यार, अकेले ना नजर आया करो, तुम नजर आया करो इधर के, नाल सोने लगते हो ठीक है ना। किधर है? ऊपर। चलो लेके आओ, निकले मेरा छोटा भाई है। मुझे पता नहीं था यार, इसको ना चस्टिस दे और बैक से ठंड लगती है, बाबू ये अच्छा था गुरु। चलो यहाँ से तो ठंड बचे यार, ये क्या अबरार सुबह सुबह यार से लगाई है, इसको भी पिलाएंगे अभी हमारा टाइम आएगा। ब्रो मेरी बात सुनो, क्या सीन है यार? क्या सीन है, कहाँ जाना है? ब्रो सीन ये है, एसी के तो पैसे ही हैं, रियल टॉप सड़कों पे काटी रहते चाय पापे अपनी बताता हूँ, सीन भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले अपनी कॉल्स कर लेते हैं, पहली कॉल करते हैं अम्मा को, ताकि अम्मा से फ्री होके फिर आपकी भाभी को कॉल करेंगे। जी अम्मा फोन उठा लें सही, क्योंकि आज चंदा बुध भी है तो अम्मा मसरूफ होंगी। तस्वीर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैमरा एक जगह पे स्टेबल रखो और थोड़ा सा ऊपर करो, अब नजर नहीं आ रहे पूरे। ये क्या हाल है? आपको भी मौला की विलादत बहुत मुबारक हो, और आप सबको भी मौला की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। क्या चल रहा है जी, क्या हो रहा है? मुझे पहले पता था, घर पे सब ठीक है? जबरदस्त। पापा ठीक है? की आले भट्ट साहब, बाइक इंजॉय कर रहे हो? मेरी याद तो नहीं आ रही, बाइक तो को मेरी याद कितों आनी है? ओए ओए ओए, मेरे पास जहाज भी हो ना, जो आप है वो आप ही है। बट साहब डायलॉग मारने लग गए जब से आप व्लॉगर बन गए हो ना, डायलॉग मारने लग गए हो आप।
आए अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जान? आई लव यू। मामा जी मेरी बात सुनो, गजल की तबीयत ठीक हुई है? गजल से बात हुई है आपकी या नहीं हुई? तबीयत बेहतर यूज किया नहीं? मैंने कॉल की, उसने अभी नहीं उठाई, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही जान, वो ठीक नहीं है। चलो आप बात करो उससे, मैं भी बात करता हूँ। मैं निकलने लगा था, मैंने इसलिए कॉल कर ली, बाद में सिग्नल मिले या ना मिले यहाँ पर, तो मैंने होटल का वाईफाई कनेक्ट किया हुआ ना, फ्री होकर फोन करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ख्याल रखो। जी अच्छा, वो वारने आपने फेंकने हैं, देने हैं बच्चों को? ओके ओके ला देगा, ठीक है, ख्याल रखो, लव यू लव यू लव यू, थैंक यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो, बाय। ओके जी, एक कॉल हो गई, अब दूसरी कॉल कर लेते हैं आपकी भाभी को, लेकिन उससे पहले टिश्यू से मुंह साफ कर लेते हैं, भजन यहाँ पर गर्मी है, 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, गर्मी है। क्या बात है, गर्मी तो फुल लाहौर की याद करवा रही है। Here comes the baby boss, मेरा काका मॉडल, क्या हाल है, क्या हाल है, नींद पूरी हुई है? अल्लाह की कसम है, कार्बन कॉपी गोल, वो प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार इधर करो यार, किधर ले चले हो, हद हो गई है, कहाँ जा रहा है मेरा काका, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बत्ता बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, अब जो दूसरी कॉल है आपकी भाभी को, वो हम रूम में बैठ के ही कर लेते हैं, बाहर बहुत गर्मी है भाई, और सही से नजर भी नहीं आता, धूप की रिफ्लेक्शन पड़ती है, रिंगिंग तो हो रही है, शायद उठी हो, शायद सो रही हो, कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं। आए, उठी उठी, अस्सलाम वालेकुम, की हाले? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा कि तुमने कहा था वीडियो कॉल करनी है, उस टाइम मैंने तुम्हें टाल में टोल कर दिया था कि नेट नहीं है, तुम्हें इतना नहीं पता कि बैंकॉक में नेट ना हो कैसे हो सकता है? बैंकॉक है कि वो कोई पता नहीं कौन सा मुल्क है जहाँ पर अभी इंटरनेट ही नहीं है, ऐसा तो मुल्क कोई होगा ही नहीं। ईरान में नहीं होता, आपने बताया तो था। यार ईरान के तो अपने कुछ इश्यूज है ना जिसकी वजह से नहीं होता, बाकी कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट ना हो, इतना भी सीधा इंसान को नहीं होना चाहिए वैसे। अच्छा, क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सोए हुए थे, उठे हुए थे? नहीं, अभी उठी थोड़ी देर पहले। क्या टाइम हो रहा है? टाइम 1:30 से ऊपर ही हो रहा है। चलो खैर, मैंने सोचा कि मैं वीडियो कॉल कर लूँ, पहला दिन है मेरा, तो कंवल जुल्करनैन और भाई एजल सब जो है वो रेडी हैं, निकलने लगे थे हम, पता नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, गाड़ी पे नहीं जा रहे, मैंने इंसिस्ट किया गाड़ी शाड़ी पे नहीं जाना, स्कूटी पे जाना, बताता जरा, हेलमेट शेलमेट पहन लेंगे ना, ठीक है? मैं पहले मैं कॉल कर लूँ अम्मा को कर ली मैंने कॉल, फिर मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, फिर निकलता हूँ मैं। मौसम कैसा है? मौसम यार गर्मी है, सर्दी नहीं है, निकर पहनी हुई मैंने और नीचे मैंने चप्पल पहनी हुई है, ठीक है, लेकिन ये कि सर्दी नहीं है, गर्मी है। ऑल गुड, ऑल गुड, आप बताएं? मिस तो नहीं कर रही मुझे? चलो ठीक है, मैं वापस आऊंगा ना, शाम हो जाएगी, वापस आते आते। जी शॉक बता रही है कि ओए होए, ये तो कुछ और ही बता रही है, 2 बज गए यहाँ के, ठीक है, निकल रहा हूँ, वापस आता हूँ, फिर आगे कॉल करूंगा, ठीक है? ओके ठीक है, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, बाय, आप भी ख्याल रखिए, ओके ओके, टेक केयर। हाँ जी चलिए, चलो 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 चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो ओदे ओदे, शेख की स्पीड चेक कर, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, शेख इधर का छपड़ी है ना सर के। सच्ची सच्ची बताओ, ये लग नहीं रहा मथिया गली वाला रोड, चेक करो, आए 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 आए, क्या बात। ओके जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, आपको अंदर जाके बताते हैं कि कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। और यार नहीं दसना सी, अल्लाह की कसम जी, बोंगी कूड़ी है साड़ी, अभी बताना नहीं था भाई। अच्छा जी, टाइगर किंगडम आ गए हैं, मनु भी नहीं पता टाइगर किंगडम की है, हाँ मेरे नाम का नाम लिखा हुआ था तो मैं आ गया हूँ बस, टाइगर एक नहीं पता। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक न्यूज शेयर करनी है, पहले वो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइगर किंगडम दिखाते हैं सर, टाइगर किंगडम। अच्छा जी, ये है जी टाइगर किंगडम, इसका क्या सीन है, तू तो पहले आया हुआ है, क्या सीन है इसका, ये स्मॉल बिग एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा लार्ज, ये स्मॉल जो होता है ना उसके साथ आप खेलते हो, साथ में पिक्चर वगैरह बना लेते हो, ठीक है, जो बड़ा टाइगर होता है ना उसके पास, उसके साथ आप खेल नहीं सकते, बस पिक्चर ले सकते हो, साथ आप खेलोगे तो समझो कि आप अपनी मौत के साथ खेलोगे, ठीक है, बस पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते। और क्या फीस वगैरह होती है इसकी? इसकी भाई 1000 बाद मतलब 9000 पाकिस्तानी बन जाए, पाकिस्तानी 9000 तस्वीर जी,
करे भाई जान को पता क्या कह रही है क्या? वो कह रही है कि अंदर अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी टांग या हाथ या मुंह शेर खा जाता है, तो ये कंपनी जो है ये आपको इंश्योरेंस देगी। ठीक है, जिम्मेदार ये होंगे। ते पुत्तर जिन्होंने वड लिया मैं क्या ट्रेंड होंगे? कोई नहीं वड़ते पुत्तर, देख लो ये, देख लो ये टर्म्स एंड कंडीशन ये उन्होंने साइन ले रहे हैं भाई जान। अगर ये वो काटता ना तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई। अच्छा, उसको जरा समझ नहीं आ रही जो भी कह रहा है। ठीक है, मेरी बात सुन, ये उन्होंने नाम, फिर ये एज और ये सारा आपकी नेशनलिटी लिखवा ली है। नीचे आपको लिख दिया कि आपके घर पैसे पहुंच जाएंगे। ये शेर ने खा खू लिया, रेडी रहा मेरा भरा, नहीं खाएंगे। ये आ गया जी टाइगर जोन, और ये आ गई दो टिकट। सिर्फ मैं और दिनकर मैन ही जा रहे हैं, ना कंवल, ना अबरार और ना शेर, क्योंकि शेरों के पास सिर्फ शेर ही जाते हैं। एंट्री शेंट्री हो गई है जी, ये उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि आप यहाँ 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 तक रह सकते हैं, इधर नहीं जाना। इधर गए तो तुसी गए, तो तुसी गए। अच्छा जी 20 मिनट वेट है, सुन कर ना कर ना पंगे ले। अच्छा इसके पास हमने नहीं जाना, हमने दोबारा कर भाई मेरी गल सुन ले। उन्होंने जरा लिख के लाया उसने कि इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे, कोई ना कोई हैंकी पैंकी है ही यार। ये वो वाले शेर, ये सर्कल वाले शेर नहीं है ब्रो, ये सर्कल वाले शेर नहीं है। अच्छा हमने इसके पास नहीं जाना, इससे बड़ा शेर है जिसके पास हमने जाना है, लेकिन वो व्हाइट नहीं है, दूसरे वाला है। ठीक है, टाइगर है। 20 मिनट का हमारा वेट है और ये सर्कस वाले शेर नहीं है। व्लॉग जो तुम देखने को मिल गया, समझो तो डर बच गया, दुलकर भी बच गया। जे व्लॉग ना आया समझो गया पिछले ही करन गया अपलोड किस तरह से जाऊंगा बंदा। ओके जी, तो हमारी बारी आ चुकी है जाने के लिए फुल साइज की तरफ। या अल्लाह पाक, खैर कोई गलती कुताही हो गई हो तो अकेला अकेला सब्सक्राइबर मुझे माफ कर दे। दूर से दिखा रहा हूँ कि 0.5x है, ये लो, जूम करता हूँ, देख लो, यह जा रहा हूँ, कोई गलती कुताही माफ कर देना। हाँ आऊँ आगे भाई, भाई कौन? मैं आऊँ भाई, मेरी गाल सुन इधर, हेलो मेरी बात सुनो। लिसन यस, भाई मेरी गाल सुन, भाई हेलो, मेरा सिर्फ निकाह आया ही हले, मैं तेरी भाभी लैके आनी है, तेरी मेहरबानी ख्याल करी। कहता कोई नहीं, तू गया। या अल्लाह पाक खैर क्या करूं, की करा, बैठ जाऊं? हैं? नहीं, मैं पहली बारी हाथ उठलाने तो डर रहा। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शांत शांत, गुदगुदी उठती पूरे जिस्म में, एक बार हाथ लगाओ ना इसको। दो से ध्यान से ब्रो, ध्यान से, 2 फुट के फासले पे है मेरे, अल्लाह की कसम। दहशत देख रहे हो उसकी, उसकी दहशत देखो, ये 1x किया, ये देखो ब्रो, मेरे अल्लाह की कुदरत है, यकीन करो। हाँ कुछ भी नहीं होता, जा आराम से आ जा, कुछ नहीं होता, इजी हो, जा बैठ जा। या अल्लाह पाक, लंडुआ दी डाल फेम होण नू फिर मेरे नाल करके लड़ाई ना फिर। चस आ गई नहीं है, जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर एक और भी है, अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ। ये शैतान लग रहा, थोड़ा सा ये शैतान लग रहा है मुझे, थोड़ा सा भाई शैतान लग रही है मनु। ओए 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 ओए, माशाल्लाह। आ जा, पहले तू जा ओके। ये थोड़ा शैतान है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, चल। ओ ये लंडुआ दी डाल है माहौल नु फिरे, यू आर अ लंडू, लंडू टाइम नोट कर रहा है, बार बार ही द लंडू। बच गया जे,
ਸਾਡਾ ਰਜਬ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬਈ कसम से गलती की है तुम लोगों ने ना जाके गलती की है ऐसी जालम फोटो आ गई है ना आपके बंदे की भी मेरी भी असी ते शेर नु स्लोमो कराता ओए होए 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 जनमन बात है शेर नु टिकटॉकर बनाता असी मिठे मिठे ही तो देखो जान जान क्या रोला डाला क्या रोला डाला हाय हाय ठीक है समझ गया ठीक है। अच्छा जी शेर से बच बचा के हम लोग बाहर आ चुके हैं अब लग गई है शदीद अंतों की भूख लेकिन कुछ सादा वादा नहीं खाना कुछ स्पेशल खाना ब्रो क्या खाना हाँ समझ गया ठीक पॉइंट क्या खाना भाई बता एनीथिंग स्पेशल खाना तू बता क्या खाना कुछ खास स्पेशल जो सोचा भी ना हो किसी ने बता तूने नहीं भाई नहीं सांप नहीं खाने मैंने नहीं मिलता ओ भाई मिलता भी है तो नहीं खाना क्या हो गया हद हो गई है नहीं स्नेक फिश नहीं खा यार तू बता यार क्या था यार स्कूटी सी फूड तुझे खिलाता हूँ बता तूने आज तक सोचा नहीं होगा बता गेस्ट कर कौन सी यही कोई बोंगी होगी कोई ना खाने वाली चीज होगी नहीं भाई बता फिर बता शार्क का गोश्त खिलाओ शार्क जी मच्छी जी वो कितना आएगी सरकार ब्रो इधर से मिलती है शार्क का गोश्त यस हलाल है आज हम खाते हैं फिर शार्क का गोश्त और आपको भी दिखाते हैं टेस्ट तो आपको नहीं करवा सकेंगे लेकिन आपको दिखा देंगे ठीक है ओके मुंह बनते हुए उस्ताद जी पेशे खिदमत अल्लाह की कसम मैं आया थे बड़े शौक ना था मैं शार्क खाऊंगा लेकिन जैसी स्मेल आ रही है ना मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को सी फूड की ऐसी होती है बाबा मेरा दिल नहीं कर रहा ये क्या है केकड़े वेकड़े हैं कुछ और वो क्या पीछे पत्थर पड़े हैं पता नहीं क्या जी क्या प्राइस है इसकी पूछी जरा पूछी तरह क्या साढ़े तीन सौ बात का एक स्टेक पाकिस्तान कितना हो गया साढ़े तीन सौ हो गया ऑलमोस्ट 1800 2700 2700 के बाद 3600 4000 का एक पीस वो भी वो वाला अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ और खा ली ना बाबा यार मैं तो खाऊंगा तो बात ना बिल्ला ये तो तू खाता है यार और मैं नहीं खाता ये खाता है ओए ओए सुन कर इधर कर शेख ये तो जिंदा अच्छा भाई ये फाइनल है कि मैं तो नहीं खा रहा शार्क उसने काट दी है ये देखो दुलकरन ने अपने लिए एक स्टेक लगवाई है मैं तो कुछ देसी खाऊंगा भाई मेरा स्मेल वैसे दिमाग खराब हो जाता है और इससे स्मेल आई बहुत रही है वैसे नहीं खाई जाएगी ये आ गया जी शार्क का पीस इस भाई का शार्क यहाँ पड़ी है और स्मेल यहाँ तक आ रही है लिटरली तो कैसे खाएगा ब्रो कैसे खाएगा किसम से आ रही है नहीं आ रही पर तन्नु आप सराउंडिंग में आ रही है ये देखो ना सराउंडिंग में या कहाँ पर है खैर मैं टेस्ट करूंगा ताकि मैं कह सकूँ की हाँ भाई शार्क खा दिए ब्लॉग शूट करके तो कहता है इसको पैक करो बहुत मजे दिए ना खत्म कर दी ना मेरे क्या क्या खाया क्या खाया सारी की सारी वैसी पड़ी है ये देख ड्रामे बाजी यार ये मैंने सबके लिए करवाया था तुम लोग खाई मैं अकेला कैसे मटन का टेस्ट आ रहा है मटन का इन पैक कराओ इतनी पसंद नहीं मैं ये शार्क के शौक में खा गई शार्क के शौक में हमने जो है ना वो एक बाइट ले लिया ओए शुक्र है मेरे काके ने भी खाई है आए 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 खाने पीने वाला जो काम है ना वो बहुत खराब है भाई मुझे स्मेल आ गई थी तो इर्द गिर्द जो देसी फूड था मुझसे वो भी नहीं खाया गया अभी हम जा रहे हैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जहाँ पर इर्द गिर्द सी फूड ना हो ताकि कुछ खा सकूँ सुबह से नाश्ता किया होगा फाइनली हमारे सामने पड़ी है रोटी टुक्का ये है जी बटर चिकन इसकी फरमाइश पे मंगवाया है ये है बटर नान और हमारा काका तंग कर रहा था इसलिए कमल और शेफ और अबरार चले गए हैं होटल मैं और मेरा भाई ही रह गए जो शेरों के पास भी गए थे और अब शेर भूखे हैं शेर खाना खाने लगे हैं बिस्मिल्लाह मजा आया चल सारे जो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओके जी
तो अभी सीन ऐसे है कि मैं फिलहाल कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, खाना शाना खा लिया, आज के दिन का एडवेंचर भी कर लिया। कल मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत, जैसे आज एक एडवेंचरस काम किया, कल भी ऐसे एक एडवेंचर से भरी हुई जगह जहाँ हमने जाना है। फिलहाल करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और अम्मा की बड़ी याद आ रही यार, पता नहीं क्या मेरे साथ मसला यार, मैं एक दो दिन कहीं बाहर रह लेता हूँ, प्लानिंग करके आता हूँ कि इस बार तो लंबा रहूँगा, दूसरे तीसरे दिन मेरी बस उतरती है। खैर अभी तो पहला दिन है और मुझे याद आ रही है, सभी की आ रही है, आप लोगों की भी आ रही है, हैदर की बड़ी याद आ रही है। फिलहाल करते हैं व्लॉग के एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह किसी एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।